हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्यूरिसप्रूडेंस की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी दैट हैज़ बीन गिवन बाय जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम कौन थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी और उस थ्योरी की क्या इम्पॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जेरेमी बेंथम ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1748। ये लॉयर्स की फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट कभी भी लॉ प्रैक्टिस करने में नहीं था एंड ही वॉज मोर इनटू द रिफॉर्म्स इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम। तो जिस समय जेरेमी बेंथम पैदा हुए थे, उस समय जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, इट वॉज गोइंग थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स। ये अलग अलग देशों के लॉज से इन्फ्लुएंस हो रहा था और जेरेमी बेंथम को भी लगा कि इंग्लिश जो लॉज हैं उनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसीलिए ही नेवर प्रैक्टिस्ड लॉ, और प्रैक्टिस करने के बजाय उन्होंने ब्रिटिश लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने में ही अपनी लाइफ है उसको डेडिकेट कर दिया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकी थ्योरी का नाम क्या है। तो इनकी थ्योरी को हम फेमसली कहते हैं बाय द नेम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि जेरेमी बेंथम ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, या फिर जेरेमी बेंथम को जैसे वी नो हिम एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो इनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, या फिर इसको थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म भी कहा जाता है, दैट हैज़ बिन गिवन बाय जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम कि ये जो थ्योरी है ये इन्होंने कौन सी किताब में लिखी थी, तो 1789 में जेरेमी बेंथम ने एक बुक इनकी पब्लिश हुई थी बाय द नेम ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस बुक के अंदर बेंथम ने क्या लिखा, दैट नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरन मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन। दैट मीन्स बेसिकली जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं, या तो पेन से या प्लेजर से। यानी कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस चीज़ से उसको कितना नुकसान हो रहा है या उससे उसे कितनी खुशी मिल रही है। सो इट इज़ फॉर देम अलोन टू पॉइंट आउट वॉट वी ऑट टू डू, यानी कि प्लेजर और पेन डिटरमाइन करते हैं कि एक ह्यूमन बींग किस तरह से एक्ट करेगा। सो दिस वॉज रिटन बाई जेरेमी बेंथम इन हिज बुक, और ये बुक 1789 में पब्लिश हुई थी। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs पूछे जा सकते हैं, काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट का एग्ज़ाम है या क्लैट है या और कहीं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि बेंथम की बुक का नाम क्या था और ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी। जैसे आजकल UGC नेट के एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट बुक्स के नाम ना पूछ के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि इन चार अलग अलग वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सो यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो एंड ऑल्सो द ईयर इन विच इट वॉज पब्लिश्ड। तो ये बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, और ये पब्लिश हुई थी 1789 के अंदर। किसकी बुक है, जेरेमी बेंथम की बुक है। तो इन्होंने इस बुक के अंदर ये थ्योरी एक्सप्लेन की है जिसको हमने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो इस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसको बेंथमाइट यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। और जो ये बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी है, तो सबसे पहले इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले ये यूटिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहीं से ये जो थ्योरी है ये ओरिजिनेट हुई है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ का फ़ायदा क्या है, उसकी अहमियत क्या होगी। सो यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है ये एक तरह से इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी काम का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो ये जो थ्योरी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, और इस थ्योरी के हिसाब से
कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी लो, उसकी वर्थ कितनी होगी, वो कितनी अहमियत होगा, या कोई भी एक्शंस हैं, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, किस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को जज किया जाएगा, बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स। यानी कि एक काम को करने का प्रोसेस क्या है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका आउटकम क्या रहा है, दैट ओनली इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हमें वी आर ओनली लुकिंग एट द एंड, और मीन्स टू एन एंड के ऊपर बेंथम ने कोई फोकस नहीं किया है। इसको हम एक एग्जाम्पल से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यू आर अ सोशल वर्कर और आप एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यू आर वर्किंग। आपको लगता है कि एक पर्सन अपने घर में एक गाय लेके आया है, और वो उस गाय को क्यों लेके आया है, क्योंकि वो उसको क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू, ही विल किल दैट काउ। सो दैट पर्सन, ही गोज टू दिस पर्सन हाउस और इस गाय को वो चुरा ले आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आउटकम क्या रहा, कि गाय की जान बच गई। सो बेंथम के हिसाब से ये जो एक्टिविटी है, इससे क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ है, चाहे वो किसी को भी हुआ हो, सो इससे बेनिफिट हुआ है, दैट मीन्स ये काम ठीक होगा, बेशक से ये काम कितना ही गलत क्यों ना हो। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम, जो मीन्स टू एन एंड है, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली द आउटकम इज इम्पॉर्टेंट। इसको एक और नाम दिया गया है, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होगा, कि एक काम को करने से जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उतना ही वो काम ठीक होगा। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, उसके पास 100 रुपीज़ हैं। अब इसके पास दो ऑप्शन हैं, कि या तो ये 100 रुपीज़ अपने एक सिंगल चाइल्ड को दे सकता है, ठीक है, इसका एक बेटा है जिसको ये 100 रुपीज़ ये दे सकता है, या फिर इन 100 रुपीज़ को ये 10 अलग अलग लोगों में बांट सकता है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो जहाँ पे भी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, दैट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आउटकम। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम, ये 100 रुपीज़ अपने बेटे को दे और ये 100 रुपीज़ 10 लोगों में बांटे, तो कौन सा आउटकम बेटर होगा, ये 10 लोगों वाला। सो ही इज़ ओनली लुकिंग एट द नंबर, क्वांटिटी कितनी है, दैट इज़ द मेन फोकस पॉइंट फॉर द बेंथम्स थ्योरी। सो बेंथम की जो थ्योरी है, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है, इसका मतलब क्या होगा, कि एक काम है, कोई भी एक्टिविटी है, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अराइज हो, सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलती हो, जितने ज़्यादा लोगों को प्लेजर या जितने ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिलेगी, वो काम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज़्यादा उसको हम कहेंगे दैट इट हैज़ यूटिलिटी। या फिर जिससे कोई भी पेन, ईविल, मिसचीफ, अनहैप्पीनेस क्या की जा सके, अवॉइड की जा सके, उसको निगेट किया जा सके। सो किसी भी काम की जो वैल्यू है, वो इन दो फैक्टर्स पे काउंट की जाएगी। सो जो बेंथम ने ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी थी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि इन्होंने अपनी ये जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरीज हैं, उनके पार्ट के रूप में ये जो थ्योरी है ये दी गई है। तो बहुत सारे उस टाइम के जो फिलोसोफर्स थे, वो क्या देखते थे, कि किसी भी काम को करने के पीछे एक पर्सन का इंटेंशन क्या था, किस मकसद से, किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके उस पर्सन ने वो काम किया है, दैट विल डिसाइड कि वो काम ठीक है या नहीं है। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से क्या होगा, कि कोई भी एक्शंस हैं, उनको हम इंटेंट के ऊपर बेस ना करके क्या करेंगे, आउटकम क्या रहा है उस काम का, उस चीज़ के ऊपर, उस एक्टिविटी को, उस काम को जज किया गया है। तो इंटेंशन चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका आउटकम ऐसा है कि उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी बेंथम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इट विल प्रोवाइड यूटिलिटी, और ऐसी एक्टिविटी ठीक है। तो बेंथम ने क्या कहा है, कि जो इंटेंशंस हैं वो इररिलेवेंट होंगे, और ये उन्होंने सपोज कर लिया एक तरह से, कि
जो गुड एक्शंस होंगे वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस गुड कॉन्सिक्वेंसेस। दैट मीन्स कि अगर कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो उस वो जो एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड एक्शन, चाहे उसको किसी भी इंटेंशन से किया गया हो, उसको करने का जो तरीका था, प्रोसेस था, वो कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका आउटकम, उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो वो एक्शन भी क्या होगा, ये अच्छा होगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डरर है, ठीक है, एक डाकू है जिसने बहुत लोगों को मारा है, ठीक है, सबको पता है कि इस पर्सन ने इन लोगों का क्या किया है, कत्ल किया है, लेकिन इस पर्सन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, जब तक किसी भी पर्सन का जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हो जाता, ही विल बी कंसीडर्ड एज इनोसेंट, और एविडेंस के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसके गिल्ट को प्रूव करना पड़ेगा। ये एक ऑप्टिमम प्रोसीजर है, ये फॉलो किया जाएगा इन एनी क्रिमिनल केस इन इंडिया। लेकिन सबको पता है कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इसने इन लोगों को मारा है। तो एक पर्सन है एक्स, उसने क्या किया, इस पर्सन को क्या कर दिया, गोली मार के इसको मार दिया। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम्स यूटिलिटेरियन, क्योंकि इस काम को करने से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, जितने लोगों को इसने मारा था उनके जो परिवार वाले हैं उन सबको बहुत ही हैप्पीनेस हुई है कि चलो ये डाकू मर गया, अच्छा हो गया। लेकिन इस काम को करने से बेशक से बहुत लोगों को हैप्पीनेस मिली है, बट क्या ये एथिकली करेक्ट था, या ये लीगल एक्शन कहा जा सकता है? सो ऑब्वियसली, क्योंकि काम को करने का कॉन्सिक्वेंस बेशक से कैसा ही रहा हो, लेकिन इसका जो इंटेंशन था या जो प्रोसेस फॉलो किया गया था, दैट वॉज अनलॉफुल। तो इसीलिए इस एक्शन को हम गुड एक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन बेंथम के अकॉर्डिंग ये एक गुड एक्शन होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ गुड एक्शन। इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन, कि हम अपने एक्शंस को जब इवेल्यूएट करेंगे तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसको हमें कंसीडर करना है कि वो एक्शन ठीक है या गलत है, किस चीज़ के ऊपर करेंगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेजर एंड पेन, यानी कितनी खुशी हुई है या कितना हर्ट या कितना पेन उस एक्शन से हुआ है, यही दो फैक्टर्स होंगे जो ये डिटरमाइन करेंगे कि वेदर दैट एक्शन वॉज करेक्ट और नॉट। तो सिंपली उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक्शन है, इट इज़ गुड इफ़ इट प्रोड्यूसेस प्लेजर एंड बैड इफ़ इट रिजल्ट्स इन पेन, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों का भला होगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, तो वो एक्शन गुड एक्शन होगा, लेकिन अगर उससे पेन हो रहा है तो वो एक बैड एक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रिजीम है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, तो इससे वो सारे के सारे जितने भी पर्संस थे जो टैक्स चोरी कर रहे थे उनको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, गवर्नमेंट का वो जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग, बट एक्चुअली इट वॉज अ राइट एक्शन, ठीक है। सो बेंथम की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो सिर्फ दो ही फैक्टर्स को कंसीडर करती है, प्लेजर और पेन। प्लेजर और पेन किसका, प्लेजर और पेन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्संस, यानी जितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा या जितने ज़्यादा लोगों का हैप्पीनेस उस काम से आउटकम होगा, दैट विल बी अ गुड एक्शन, ठीक है। तो बेंथम ने क्या कहा कि वी शुड एम टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैक्सिमम प्लेजर होना चाहिए और मिनिमम पेन होना चाहिए, यही एक्शन को क्या करेगा, गुड एक्शन में कन्वर्ट करेगा। नाउ व्हाट इज़ हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेफिनेशन होगी हैप्पीनेस की, किसी को कोई काम करने में हैप्पीनेस मिलती है, किसी के लिए हैप्पीनेस दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करेगा वो पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, हैप्पीनेस हम किस चीज़ को कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्लेजर, यानी जितना ज़्यादा सुख, जितना ज़्यादा प्लेजर हम उस चीज़ से गेन कर रहे हैं, या जितना ज़्यादा पेन अवॉइड कर रहे हैं, या पेन का एब्सेंस जहाँ पे होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हैप्पीनेस होगी। सो हैप्पीनेस का मतलब क्या होगा, जितनी ज़्यादा प्लेजर है, खुशी जितनी ज़्यादा होगी और पेन जितना कम होगा या टोटली एब्सेंट होगा, सो दैट विल बी द मेजर ऑफ हैप्पीनेस। और अकॉर्डिंग टू बेंथम,
किसी भी चीज़ को अगर हमें इवेल्यूएट करना है, चाहे वो किसी ह्यूमन बीइंग के एक्शन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की कितना वो बेनिफिशियल है इंस्टीट्यूशन, इन सभी को जज करने के लिए, इन सभी को इवेल्यूएट करने के लिए सिर्फ क्या देखेंगे, कितना प्लेजर वो दे रहा है या कितना पेन उस चीज़ से हो रहा है. सो ओनली दीज टू फैक्टर्स आर कंसीडर्ड. नाउ अकॉर्डिंग टू बेंथम जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईगोइज़म. ठीक है, ईगोइज़म यानी कि जो घमंड है या फिर सिर्फ अपने आप को देखना, कि एक पर्सन सिर्फ अपनी खुशी देख रहा है कि इस काम से मुझे जितना मैक्सिमम प्लेजर मिलता है दैट विल बी राइट फॉर मी, इसे क्या कहेंगे हम, ईगोइज़म. कि सिर्फ खुद को देखना, सेल्फ सेंटर्ड होना, दैट इज़ ईगोइज़म. सो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इट इज़ नॉट ईगोइज़म, ये डिफरेंट है फ्रॉम ईगोइज़म. सो ईगोइज़म किस चीज़ को प्रेफर करता है, प्लेजर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन अपने खुद के प्लेजर को देख रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, दैट पर्सन इज ईगोइस्टिक, या उस वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है, ईगोइज्म से. लेकिन यूटिलिटेरियन क्या कहेगा, दैट वन शुड परस्यू प्लेजर नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर एज मैनी सेंटियंट बींग्स एज पॉसिबल. जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, एक पर्सन के पास 100 रुपये हैं, तो उसको ज़्यादा खुशी कब मिलेगी, जब वो 100 रुपये अपने खुद के बच्चे को देगा. ठीक है, ये क्या हो गया कि उसने सिर्फ अपनी खुशी देखी, लेकिन अगर ये इन 100 रुपयों को 10 लोगों में बांट देगा तो 10 लोगों को हैप्पीनेस मिलेगी, तो ये क्या हो गया, दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. अगर एक को दे रहा है तो ईगोइज़म हो गया, अगर 10 को दे रहा है तो यूटिलिटी हो गई है. सो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होगा, कि सिर्फ खुद का प्लेजर ना देखकर कितने, जितने हाईएस्ट नंबर ऑफ लोगों का प्लेजर हो सकता है उस काम से, जितना पॉसिबल है, अगर हम उस चीज़ को देखेंगे, सो दैट विल बी यूटिलिटेरियनिज्म. तो बेंथम ने क्या कहा, वी शुड एक्ट ऑलवेज सो एज टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, इनकी थ्योरी के अलग अलग नाम हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहा गया है, बेंथमाइट यूटिलिटेरियनिज्म कहा गया है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर कहा गया है, प्लेजर एंड पेन थ्योरी कहा गया है. इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है हिडोनिज्म. ठीक है, इनकी थ्योरी को हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ हिडोनिज्म. तो यूटिलिटेरियन है वो ऐसे काम करेगा जिससे खुद को खुशी ना मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी मिले. तो यहाँ पे जो प्लेजर है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का प्लेजर ना होके वो किसका प्लेजर है, इट इज़ द प्लेजर ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स को जिससे हैप्पीनेस मिलती है, जिससे प्लेजर मिलता है, दैट विल बी कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है, इसका एक और नाम जैसे मैंने बताया अभी, हेडोनिज्म. तो बेंथम की जो ये यूटिलिटेरियन थ्योरी है ये कैसी है, इट इज़ हेडोनिस्टिक. और इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ प्लेजर और पेन, ये दो ही अकेले फैक्टर्स हैं जो सभी के सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है किसी सिचुएशन में, उसको अफेक्ट करती हैं. प्लेजर और पेन अकेले मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेंथम जो ह्यूमंस हैं ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, किसी भी पर्सन की, कि वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर सीक करने की कोशिश करेगा, प्लेजर यानी हैप्पीनेस गेन करने की कोशिश करेगा, और अवॉइड करेगा वो किस चीज़ को, पेन को. यानी कि कहीं पे भी उसको इंजरी हो रही है, चाहे वो फिजिकल इंजरी है, चाहे वो फाइनेंशियल इंजरी है, इमोशनल इंजरी है, किसी भी तरह का पेन है, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और ह्यूमन बींग्स प्लेजर को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. सो ये एक एनिमलिस्टिक टेंडेंसी भी हम कह सकते हैं, और ह्यूमन बींग क्या है, ही इज़ ऑल्सो सोशल एनिमल. तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि वो प्लेजर को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसे क्या मिले, प्लेजर मिले, और जो पेन है उसको वो मिनिमम से मिनिमम रखना चाहता है. सो मैक्सिमाइज करना है प्लेजर को और मिनिमाइज करना है पेन को. अब एक और क्वेश्चन उठता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्लेजर किससे कितना मिल रहा है या पेन किस चीज़ से कितना हो रहा है, तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला तो है नहीं, सब्जेक्टिव है, किसी के लिए प्लेजर अलग है, किसी के लिए प्लेजर का मतलब अलग है. सो इस
चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि किसी भी एक्शन में कितनी यूटिलिटी है, उसका कितना फ़ायदा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेंथम ने क्या किया, एक मेथड प्रपोज किया, उन्होंने एक तरीका सुझाया किस चीज़ को नापने के लिए, प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करने के लिए। और इस फॉर्मूला को या इस मेथड को उन्होंने नाम क्या दिया, हेडोनिक कैलकुलस, या इसको हम फिलोसोफिक कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हेडोनिक कैलकुलस है या फिलोसोफिक कैलकुलस है, इस मेथड में या इस फॉर्मूला के अंदर जो एक्शंस होंगे उनको हम अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जैसे उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी ड्यूरेशन तक उससे वो हैप्पीनेस या प्लेजर गेन हुआ है, कितना सर्टेन है, कितनी प्रोपिनक्विटी है। प्रोपिनक्विटी का मतलब क्या है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितनी जल्दी, कितनी बारी जो प्लेजर और पेन है वो हो रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है। और अगर हमें ऐसे एक्शंस को कैलकुलेट करना है, उनकी यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए कैलकुलेट नहीं करके ग्रुप को अफेक्ट करने वाले अगर एक्टिविटीज़ से हमें प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाले चार फैक्टर्स के अलावा हम क्या करते हैं, ये तीन फैक्टर्स भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या क्या हैं, एक तो है फेसेंडिटी, यानी कि एक प्लेजर, अकेला प्लेजर आ रहा है या प्लेजर के साथ पेन भी है, या फिर प्लेजर के बाद दूसरा प्लेजर भी उसके साथ इंक्लूडेड है। दूसरा है प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब क्या है कि प्लेजर इन एब्सेंस ऑफ एनी पेन, कि टोटल हमें सिर्फ प्लेजर मिल रहा है उस काम को करने से, पेन नहीं होगा, यानी कि किसी हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे नेगेटिव कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे किसी को जंक फूड बहुत पसंद है, ठीक है, तला भुना खाना उसको पसंद है, तो जब वो जंक फूड कंज्यूम करता है कोई भी पर्सन, तो उसे बहुत ही हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन क्या वो प्योर हैप्पीनेस है? अगर वो जंक फूड खाएगा तो ऑब्वियसली उसको मोटापा आ सकता है, ही कैन बिकम ओबीज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बहुत सारी और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट प्योर प्योर प्लेजर, क्योंकि प्लेजर के साथ इसमें बाद में सेकेंडरी पेन्स भी इन्वॉल्व है। तो ये क्या है कि क्या कोई भी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा प्योरिटी है उसके अंदर, ठीक है, कितना एक्सटेंट, यानी कि कितने नंबर्स को, कितने ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सात फैक्टर्स हैं, चार इंक्लूड करते हैं हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, और अगर ग्रुप है तो उसमें हम उन चार के साथ प्लस करेंगे ये तीन फैक्टर्स भी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, कितना ज़्यादा प्लेजर या कितना ज़्यादा पेन किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी लॉ से, किसी भी ह्यूमन एक्शन से हो रहा है। ड्यूरेशन क्या है कि कितने टाइम तक रहेगा, ठीक है, कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। सर्टेनिटी कि कितना उस एक्शन को करने से क्या प्लेजर और पेन के होना, क्या वो सर्टेन है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे ए ने किसी का मर्डर किया तो वो जेल जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये सर्टेन है कि अगर पकड़ा गया तो वो जेल जाएगा, तो सर्टेन हो गया कि इस एक्शन को करने से ये पेन होगा, ठीक है, तो ये हो गया सर्टेनिटी। इसके बाद प्रोपिनक्विटी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कितना फ्रीक्वेंसी में जो प्लेजर या पेन है वो होगा, कितनी बार होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी इसको हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद है फेसेंडिटी, विल द एक्शन लीड टू फर्दर प्लेजर्स और पेन, ठीक है, प्लेजर अगर हो रहा है तो प्लेजर के बाद क्या और भी प्लेजर होगा, या अगर उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो क्या और भी फर्दर नेगेटिव इफेक्ट होंगे। फिर इसके बाद प्योरिटी, जैसे अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, और एक्सटेंट का मतलब होगा कितने ज़्यादा लोगों को प्लेजर या पेन होगा, कितने ज़्यादा लोग उस एक्शन से अफेक्टेड होंगे। तो इन अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे जब हम किसी भी एक्टिविटी को जज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी फाइंड आउट करने में हमें हेल्प मिलती है, या उसकी यूटिलिटी को हम इन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे बेंथम ने क्या नाम दिया था, ही नेम्ड दिस एज द हेडोनिक कैलकुलस, ठीक है। ये कैलकुलस का मतलब क्या होगा, ये एक मेथड है टू कैलकुलेट द प्लेजर और पेन, या कैलकुलेट द यूटिलिटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये क्या होता है,
ठीक है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जैसे अभी मैंने बताया था पहले कि बेंथम की जो थ्योरी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरीज। अब ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी क्या है, यानी ऐसी थ्योरीज बहुत सारे जूरिस्ट ने पहले भी दी हैं जो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर फोकस करती है कि किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा। तो बेंथम ने भी कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर फोकस किया है, तो बेंथम की जो थ्योरी है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरीज। ठीक है, तो बेंथम की थ्योरी है इट इज़ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट बिकॉज इट जजेस द मोरेलिटी ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स। कोई भी काम मोरल है इमोरल है किस चीज़ से पता चलेगा कि उसका आउटकम कैसा है। ठीक है, आउटकम अगर प्लेजर दे रहा है बहुत सारे लोगों को सो दैट विल बी अ मोरल एक्शन, और अगर उससे पेन हो रहा है तो वो इमोरल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्शन है उसकी राइटनेस या रॉन्गनेस कि वो ठीक है गलत है किस चीज़ से डिटरमाइन होगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बाय द अमाउंट ऑफ प्लेजर एंड पेन इट प्रोड्यूसेस, कितना प्लेजर या पेन उस काम के करने से हो रहा है, ये चीज़ डिपेंड बताएगी कि वो एक्शन राइट एक्शन है या वो एक रॉन्गफुल एक्शन है। ठीक है, सो यूटिलिटेरियनिज्म में जो मोरालिटी ऑफ एक्शन है इट इज़ जज्ड सोली बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी एक्शन है वो मोरली राइट होगा अगर उससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड हैप्पीनेस, यानी कि लोगों को ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर अगर हो रहा है सो दैट विल बी मोरली राइट, और या फिर उससे लीस्ट अमाउंट ऑफ बैड सफरिंग, यानी कि अगर कम से कम पेन हो रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर पॉसिबल चॉइसेस, यानी कि एक काम को करने के लिए वी हैव डिफरेंट चॉइसेस और अलग अलग चॉइसेस से अलग अलग आउटकम होंगे और उन सभी में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो हमें कौन सा आउटकम चूज़ करना पड़ेगा जिससे कम से कम सफरिंग हो। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शिप है, ठीक है, ये शिप क्या हो गया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और इसको रोकना इम्पॉसिबल है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ यहाँ पर दो नाव हैं, एक नाव में दो लोग हैं और एक नाव में 10 लोग हैं। नाव इस शिप का जो कैप्टन है, इसके पास दो चॉइसेस हैं कि इनमें से किसी एक रूट के ऊपर ही वो जा सकता है, यहाँ पे अगर जाएगा तो 2 लोगों की जान जाएगी, यहाँ जाएगा तो 10 की जान जाएगी, दोनों में ही कुछ ना कुछ पेन इन्वॉल्व है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या कहेगा कि हमें ये पर्सन, ये वाला जो रूट है ये चूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ बैड यहाँ पर होगा, यानी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ सफरिंग इस वाले आउटकम में है, तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी वी हैव टू चूज दिस आउटकम। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होगा तो इससे इसको हम क्या कहेंगे कि बेंथम के अकॉर्डिंग दिस इज द ऑप्टिमम चॉइस, ये सबसे ठीक चॉइस है और ये एक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मोरली राइट। फिर एक और चीज बेंथम की थ्योरी में से निकल के आती है, दैट इज द इम्पार्शियलिटी। ठीक है, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होगा कि बेंथम ने क्या कहा कि सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इक्वल हैं और हर एक पर्सन की जो हैप्पीनेस है दैट इज़ आल्सो इक्वल। ठीक है, किसी की हैप्पीनेस ज़्यादा वेट कर ज़्यादा उसका वजन है, किसी की हैप्पीनेस कम मायने रखती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी पर्संस की जो हैप्पीनेस है इट काउंट्स इक्वली, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव, कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती है जब हम अलग अलग पर्सन्स के प्लेजर या पेन को जब हम देखते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन को का प्लेजर अगर हम प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर अनदर पर्सन्स प्लेजर सो दैट विल बी अ मोरली रॉन्ग एक्ट अकॉर्डिंग टू बेंथम। ठीक है, तो बेंथम की जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, इट फोकसेस दैट द इक्वल कंसीडरेशन शुड बी गिवन टू ईच इंडिविजुअल्स हैप्पीनेस। तो ठीक है, सभी पर्सन्स की जो हैप्पीनेस है दैट इज़ इक्वल और किसी की भी हैप्पीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जा सकता दूसरे पर्सन की हैप्पीनेस से, और जो किसी भी एक्शन का, ह्यूमन एक्शन का या किसी भी लॉ का जो गोल है, जो उसका एक एम है, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस, जितने ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा सकती है दैट इज़ द मेन गोल, और पर्सन की आइडेंटिटी यानी कि किसकी हैप्पीनेस दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे
सिर्फ क्या देखना है हमें, क्वांटिटी ऑफ द पर्संस, ठीक है, ना कि जो आइडेंटिटी है. हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आइडेंटिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द बेसिक नॉर्म ऑफ बेंथम्स थ्योरी. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि जो यूटिलिटी थ्योरी है, यूटिलिटेरियनिज्म है, इसका स्कोप क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, ये ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो ईगोइज़म यानी इंडिविजुअल ईगोइज़म से डिफरेंट है. इसके बियॉन्ड जाकर भी हम कुछ कर रहे हैं. यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन की हैप्पीनेस को ना देख के जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स है उनकी हैप्पीनेस को प्रमोट करना. इसमें एम्फसाइज किसके ऊपर दिया गया है, फोकस किसको किया गया है, टू परस्यू प्लेजर फॉर एज मैनी पर्सन्स एज पॉसिबल. जितने ज़्यादा लोगों को प्लेजर दिया जा सकता है, दैट इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ बेंथम्स थ्योरी. ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया दैट कि इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप इज़ मेयरली द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. यानी कि एक ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो किससे मिलके बनेगा, जो उस ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं. ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर 6 लोग हैं, तो इस ग्रुप का इंटरेस्ट क्या होगा, ये इन सभी पर्संस के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मिलाकर होगा. ठीक है, सो सारे के सारे जो इंडिविजुअल प्लेजर और पेन है इनको हम क्या करेंगे, इक्वल कंसिडरेशन करेंगे. इसका पेन भी इम्पोर्टेंट है, इसका पेन भी इम्पोर्टेंट है, या इसका प्लेजर, इन सभी पर्संस का जो प्लेजर है वो क्या है, वो इक्वल माना गया है. इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी ओवर दिस पर्सन, और इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी ओवर दिस 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 दिस. सो सभी पर्संस को क्या किया गया है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, और सभी के प्लेजर और पेन को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाएगा, इस ग्रुप का इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन किया जाएगा, और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, उसको ही क्या माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द राइट एक्शन. आगे बढ़ते हैं, बेंथम की जो थ्योरी है उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है लीगल रिफॉर्म्स को, या उसका लीगल सिस्टम्स में, लॉ रिफॉर्म्स में क्या इन्फ्लुएंस रहा है, कैसे बेंथम की थ्योरी को अप्लाई किया गया है इन वेरियस लॉज. ठीक है, तो अलग अलग फ़ायदे भी हैं इसके और नुकसान भी हैं. टोटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बेंथम की थ्योरी है वो बकवास है और इसको अप्लाई ही नहीं किया जा सकता है. ठीक है, इसकी थ्योरी के ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं. और बेंथम को ही हैज़ बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोरिस्ट्स ऑफ हिज टाइम. ठीक है, इनकी जो थ्योरीज है उन्होंने आगे बहुत सारे जोरिस्ट्स की जो थ्योरीज है उनको इन्फ्लुएंस किया है. और बेंथम जो है, ही इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल. ठीक है, फादर कौन है, फादर हैं जॉन ऑस्टिन. ठीक है, एनालिटिकल स्कूल के फादर किसको माना जाता है, जॉन ऑस्टिन. ठीक है, जॉन ऑस्टिन बेंथम के बाद पैदा हुए थे, और जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरीज हैं या जॉन ऑस्टिन के जो वर्क्स हैं, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बेंथम्स राइटिंग्स. ठीक है, तो एक तरह से बहुत सारे जो जूरिस्ट हैं वो आर्ग्यू भी करते हैं कि जो बेंथम है, ही शुड बी नोन एज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, लेकिन इनको क्या माना जाता है, ही इज़ नोन एज द फाउंडर, और फादर हैं जॉन ऑस्टिन. ठीक है, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बेंथम्स थ्योरी, या कैसे इन्होंने आगे जो लीगल रिफॉर्म्स हैं, लॉज हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया है. तो अगर हम बेंथम का इन्फ्लुएंस देखते हैं ऑन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस. ठीक है, तो बेंथम क्या बिलीव करते थे कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है उसको ध्यान में रखकर ही जो लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या किया जाना चाहिए, आगे रिफॉर्म किया जाना चाहिए. जो लॉज बनाए जाते हैं, जितनी भी पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, वो इस तरीके से फ्रेम की जानी चाहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिले, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही जो गवर्नमेंट है वो अपने लॉज और पॉलिसीज़ क्या करती है, फ्रेम करती है.
ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर भी कोई भी जब गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाती है या वेलफेयर के लॉज बनाती है तो वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। ठीक है, क्रिमिनल लॉज के अंदर भी रिफॉर्म होना चाहिए और जो प्रिजन कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा उनको क्या करना चाहिए, उनको और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। सोशल वेलफेयर बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। ठीक है, सोशल वेलफेयर जैसे इंडिया है, इट इज़ ऑल्सो अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है जितने भी लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, वो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाती है, वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। और इसी को ध्यान में रखकर जो क्रिमिनल लॉज हैं या प्रिजन कंडीशंस हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, उनको भी और ज़्यादा सुधारा जा रहा है। जितने भी लूप होल्स हैं, जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको प्लग इन करने की कोशिश की जा रही है टाइम एंड अगेन। सो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इंडियन लॉज हैं, जो इंडियन लीगल सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द बेंथम्स यूटिलिटेरियन थ्योरी। ठीक है, तो इसके बाद जो बेंथम है, ही ऑल्सो बिलीव्ड कि जो लॉज हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी यूटिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और इनको रिफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इनकी यूटिलिटी को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का जो प्रिंसिपल है उसे वो प्रमोट कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वो ये अपने मन में ही ये सोचता है, इवेल्युएट करता है अपने एक्शंस को कि क्या मेरे इस एक्शन को करने से किसी दूसरे पर्सन को नुकसान होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो वो पर्सन उस एक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन को ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दे अप टू सम एक्सटेंट अपने जो मॉरल डिसीजंस हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए जो यूटिलिटेरियन की थ्योरी है इसको अप्लाई करते हैं हर रोज़। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन है वो एक मॉरल डायलेमा से गुजर रहा होता है, ही हैज़ टू चॉइसेस, टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स जब भी किसी मॉरल डायलेमा को फेस करते हैं वो कोई भी आउटकम उस एक्शन का क्या होगा, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या उससे लोगों को नुकसान होगा या लोगों को खुशी मिलेगी, इस चीज़ को वो इवेल्युएट करता है। ठीक है, सो एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी जो बेंथम की थ्योरी है इट हेल्प्स। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली जो एक सोशल वेलफेयर स्टेट होती है वहाँ पे इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नेशन की ग्रोथ में। तो यहाँ पर भी जो बेंथम की यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है वो क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ फ्रेम करते हुए, ठीक है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, या फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं, अडॉप्ट की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो उनके लिए भी जो बेंथम उन चीज़ों को फॉलो करते हुए भी बेंथम की जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है वो क्या करती है, इनको नेक्स्ट इज़ द फ्रेमिंग ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कि बेंथम की जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ अ स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी कोई भी किसी भी नेशन की जो गवर्नमेंट है जहाँ पे सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है या जितनी भी इकोनॉमिक गाइडलाइंस वहाँ अवेलेबल होती हैं, तो उन सभी को फ्रेम करते हुए जो बेंथम की यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है दैट इज़ फॉलोड। पर्टिकुलरली जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है जहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकोनॉमिक वेलफेयर उनका
ये चीज़ क्या होती है, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। और जो बेंथम है ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ लेजिस फेयर पॉलिसीज। अब ये लेजिस फेयर पॉलिसी क्या है, वेदर इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर और नॉट, ठीक है। तो लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा फेवर करती है क्या द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बेंथम्स यूटिलिटी। तो बेंथम क्या है, ही वॉज इन फेवर ऑफ लेजिस फेयर पॉलिसी की जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट पर्सन्स में क्या करे, कम से कम इंटरफेरेंस करे, जो लोग हैं वो फ्री हों अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहाँ कम से कम हो। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा होगा तभी इकोनॉमिक वेलफेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बट बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ मासेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दे आर स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, और उनके वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ रिक्वायर्ड, और इस को करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग पॉलिसीज हैं वो फ्रेम करती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो बेंथम का जो ये यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल है इन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ फॉलोड अप टू सम एक्सटेंट इन इंडिया आल्सो। इसके बाद जो बेंथम का जो ये यूटिलिटेरियन थ्योरी है, इट हैज़ लेड डाउन द ग्राउंड वर्क, इन्होंने क्या किया, एक तरह से एक फाउंडेशन का काम किया है, जिसको यूज़ करके बहुत सारे फिलोसोफर्स, जो यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स थे बेंथम के बाद जो आए थे, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल, ही इज़ कंसीडर्ड एज ए डिसाइपल ऑफ बेंथम, जिन्होंने बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी को क्या किया, आगे फर्दर एक्सपेंड किया और अपने आइडियाज़ को उन्होंने इंक्लूड करके इसको क्या किया, और भी ज़्यादा रिफाइन कर दिया। जैसे बेंथम का जो एम्फिसिस था, जो उनका फोकस था, वो क्या था, मैक्सिमाइज करना ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और इस प्रिंसिपल या इस थ्योरी ने क्या किया है, बहुत सारे उस टाइम पर जो डिबेट्स थे कि कैसे पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे लॉज होने चाहिए, हाउ द लीगल सिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड, ठीक है, कितने चेंजेस होने चाहिए, वो चाहे एनवायरमेंटल एथिक्स में है, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, बायो एथिक्स से रिलेटेड है, तो इन सभी को भी क्या किया है, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेंथम की यूटिलिटी की थ्योरी के, इन्होंने आगे बहुत सारे वर्क्स के लिए एक फाउंडेशन का काम किया है, एक ग्राउंड वर्क तैयार किया है, इनकी थ्योरीज़ को बहुत सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वेलफेयर स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं या किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो एक्शंस हैं उनको गवर्न करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस भी करने के लिए जो ये थ्योरी है, इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है, इसको भी बहुत ही पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया गया है, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं जो इस थ्योरी के अंदर हैं, ठीक है। जो बेंथम की थ्योरी है, जिसको हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म भी इसको कहा जाता है, कि किसी भी एक्शन की क्या यूटिलिटी है, क्या उसका फायदा है, तो इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा है, टाइम एंड अगेन इसको कई सारे पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो मेन फोकस पॉइंट है बेंथम की थ्योरी का, जो कि है प्लेजर और पेन, ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है बेंथम की थ्योरी के अंदर, तो इसी चीज़ के ऊपर इस थ्योरी को क्या किया गया है, क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो बेंथम ने क्या किया है, क्वांटिफाई कर दिया है प्लेजर और पेन को, कि हम नाप सकते हैं कि किसी एक्शन से प्लेजर कितना होगा या इससे पेन कितना होगा, और इसको प्लेजर को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पेन को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है नहीं। तो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है,
कि हम प्लेजर और पेन को कैसे नापेंगे, कैसे क्वांटिफाई करेंगे, क्योंकि सबके लिए प्लेजर एक समान तो है नहीं। तो प्लेजर और पेन क्योंकि सब्जेक्टिव है, इसीलिए इसको प्रिसाइजली बिल्कुल टू द पॉइंट कैलकुलेट करना इट इज़ इम्पॉसिबल। और क्योंकि ये सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हर पर्सन के लिए प्लेजर अलग है, पेन अलग है, हैप्पीनेस अलग है, सोरो अलग है, तो एक सब्जेक्टिव नेचर है क्योंकि इन फैक्टर्स का। इसीलिए जो बेंथम ने हेडोनिक कैलकुलस का फॉर्मूला दिया है, तरीका जो बताया है प्लेजर और पेन को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए या यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ये एक तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेजर और पेन क्या है, बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर है इनका, और इसकी वजह से हेडोनिस्टिक जो हेडोनिक कैलकुलस है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इफेक्टिवली प्लेजर और पेन को प्रिसाइजली कैलकुलेट करने के लिए। फिर इसके बाद जो बेंथम है वो क्या करते हैं, ही इज़ फोकसिंग ऑन द आउटकम। ठीक है, उनका मेन जो फोकस है पूरी थ्योरी का वो किस चीज़ के ऊपर है, कॉन्सिक्वेंस क्या है एक्शन का, आउटकम क्या रहेगा, उसके पीछे प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया है, वो बेशक से सही है या गलत है, इस चीज़ के ऊपर बेंथम ने किसी तरह से भी कोई भी एम्फसिस है वो नहीं दिया है। तो यूटिलिटेरियन को क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि कोई भी एक्शन चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, कितना भी अनजस्ट क्यों ना हो, अन्यायपूर्ण क्यों ना हो, इससे किसी इंडिविजुअल पर्सन के जो ह्यूमन राइट्स हैं या किसी के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या और दूसरी तरीके के जो राइट्स हैं, चाहे वो बेशक से वॉयलेट ही क्यों ना होते हों, लेकिन अगर उन एक्शंस से ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस मिल रही है तो वो एक्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बेंथम्स यूटिलिटेरियन, उस एक्शन को जस्टिफाई किया जाएगा एज अ राइट एक्शन। ठीक है, वो एक क्या हो जाएगा, वो एक सही एक्शन होगा, लेकिन क्योंकि वो कम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, इस चीज़ को जो बेंथम है उसने कंसीडर नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं इन्होंने क्या किया है, बेंथम की जो थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज़ किया है कि बेंथम की जो थ्योरी है उसमें जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है या राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल पर्सन के जो राइट्स हैं उनको क्या किया गया है, यहाँ पर इग्नोर किया गया है। ठीक है, सो एक्शन का आउटकम अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है, बेशक से कुछ लोगों के इंडिविजुअल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, तो ऐसे एक्शन को जस्टिफाई किया गया है बाय बेंथम। ठीक है, सो इट कैन जस्टिफाई एन एक्शन इंक्लूडिंग मॉरली क्वेश्चनेबल वंस एंड इवन क्राइम्स टू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने एक डाकू को मार दिया, उसने 10 लोगों को या उसने 50 लोगों को मारा था, और उसको आपने क्या किया, गोली से उड़ा दिया, और आप जस्टिफाई कर रहे हो कि इस पर्सन ने इतने लोगों को दुख दिया था, इतने लोगों को और मारता अगर ये जिंदा रहता, इसीलिए मैंने इसको मार दिया, तो ये क्या है, यू आर ऑल्सो ए क्रिमिनल, यू आर ऑल्सो ए मर्डरर, लेकिन आपने मर्डर किया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि अगले वाले ने मुझसे ज़्यादा मर्डर किए थे या वो आगे और ज़्यादा लोगों का मर्डर वो कर सकता था। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम ये जो एक्शन है ये जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इट इज़ रिजल्टिंग इन द ग्रेटेस्ट प्लेजर फॉर द मेजॉरिटी, कि सोसाइटी में जो आम जनता है उसको लगेगा कि बढ़िया हुआ इस डाकू को मार दिया, अब भय जो था, जो एक फियर था लोगों के अंदर उस पर्सन को लेकर, वो फियर ख़त्म हो गया। ठीक है, सो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे पनिशिंग एन इनोसेंट पर्सन कुड बी सीन एज एक्सेप्टेबल इफ़ इट लीड्स टू अ ग्रेटेस्ट ओवरऑल बेनिफिट। जैसे पहले राजा करते थे कि ये दिखाने के लिए कि न्याय किया गया है या दोषी को सज़ा मिली है, तो किसी को भी सूली पे टांग दिया, ये दिखाने के लिए कि एक पर्सन के साथ अगर गलत हुआ है तो उसके बदले में हमने किसी को क्या कर दिया, सूली पे टांग दिया, बेशक से वो एक इनोसेंट पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का जो ईगो था वो सेटिस्फाई हो रहा था, इसीलिए ऐसा एक्शन क्या हो गया, इट वॉज जस्टिफाइबल, लेकिन वो क्या है, इट इज़ मॉरली रॉन्ग, मॉरली क्वेश्चनेबल। इसके बाद है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, इम्प्रैक्टिकलिटी या इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, कि इस जो थ्योरी को हम प्रैक्टिकल नहीं है ये थ्योरी, जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्टिव नेचर है प्लेजर और पेन का, जो मेथड उन्होंने बताया कैलकुलेट करने के लिए वो मेथड भी प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन है
वो कैपेबल नहीं होता है अपने एक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जो एक पर्सन होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने एक्शन को क्या करे, वो इवेल्युएट कर सके। ठीक है, बहुत ही सडन एक्शंस जो होते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन के पास ज़रूरी नहीं है कि उसके पास टाइम है या नॉलेज है अपने हर एक्शन के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उन सभी कॉन्सिक्वेंसेज को कैलकुलेट करने का उसके पास टाइम हो, उसके पास नॉलेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया है बेंथम के द्वारा, लेकिन ऐसी जो ये एजम्पशन है दिस इज़ रॉन्ग। और बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ प्लेजर और पेन के ऊपर ही फोकस करना दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ह्यूमन बींग्स को हमने इक्वेट कर दिया कैसे, एनिमल्स के साथ। ठीक है, एनिमल्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको जहाँ सुख मिलेगा, जितना प्लेजर उनको मिलेगा वो वहीं जाएंगे, और अगर कहीं उनको डंडा पड़ रहा है, कहीं उनको पेन मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस जगह को अवॉइड करेंगे। सो सिर्फ प्लेजर और पेन पे फोकस करने से बेंथम ने भी क्या किया, जो ह्यूमन मोटिवेशंस हैं, ठीक है, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग एक्शन कोई भी परफॉर्म करता है उसके पीछे सिर्फ प्लेजर और पेन ही नहीं होते हैं, और बहुत सारे मोटिवेशन होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जो उसके एक्शंस को क्या करते हैं, उसके एक्शंस को ट्रिगर करते हैं, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिर्फ प्लेजर और पेन पे ही फोकस करने से बेंथम ने क्या कर दिया, ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के साथ इक्वेट कर दिया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, ये एक शॉर्टकमिंग है बेंथम की इस थ्योरी की। फिर इसके बाद है इम्पार्शियलिटी चैलेंज। जैसे बेंथम ने क्या कहा कि हर एक पर्सन इक्वल है, हर एक पर्सन की जो हैप्पीनेस है वो इक्वल है, लेकिन ऑब्वियसली इम्पार्शियल होना इट इज़ अ स्ट्रेंथ, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी अ वीकनेस। जैसे इंडिया में हम जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी अप्लाई की जो इक्वेलिटी है इट शुड बी अमंगस्ट इक्वल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम बिना देखे, बिना सोचे समझे ही इम्पार्शियलिटी का अगर कॉन्सेप्ट अपना लेंगे कि हर एक पर्सन इक्वल है, वो चाहे जैसा भी है, उसकी जो सोशल स्टैंडिंग है वो कैसी है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है, उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लो सबके लिए बराबर है, तो क्या वो एक्चुअल में इक्वेलिटी होगी? नो, इट विल नॉट बी। ठीक है, सो इम्पार्शियलिटी इट कैन बी अ स्ट्रेंथ, लेकिन हर सिचुएशन में इम्पार्शियलिटी ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो इम्पार्शियलिटी को आँख बंद करके फॉलो करना, उसको अप्लाई कर देना, दैट इज़ अ वेरी बिग वीकनेस। तो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द स्पेशल ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, टू फ्रेंड्स। और इन्होंने फोकस क्या किया है, जो बेंथम की यूटिलिटी है वो फोकस करती है किस पे, कि सारे पर्संस जो इंडिविजुअल्स हैं उन सभी की हैप्पीनेस इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन के पास 100 रुपये हैं, वो अगर अपने बच्चे को देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके क्या है, ही इज़ अ फैमिली टू दैट पर्सन, या फिर वो अपने किसी क्लोज रिलेटिव को दे, अपने फ्रेंड्स को के बेनिफिट के लिए अगर कोई काम कर रहा है, सो उससे उसको सिर्फ प्लेजर या पेन उस अकेले पर्सन का नहीं होगा, जो दे रहा है उसको भी हैप्पीनेस मिलेगी उस दूसरे पर्सन को हैप्पी देखकर। और एक ये इन 100 रुपयों को किसी टोटल स्ट्रेंजर, 10 टोटल स्ट्रेंजर हैं उनके बेनिफिट के लिए अगर यूज़ करेगा, ठीक है, इन 10 को हैप्पीनेस मिली, लेकिन क्या इसको हैप्पीनेस मिलेगी? ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है, बेंथम की जो थ्योरी है इस चीज़ को भी इग्नोर करती है कि एक पर्सन की स्पेशल ऑब्लिगेशंस होती हैं उसकी फ्रेंड्स के प्रति, उसकी फैमिली के प्रति। एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, उनके प्रति उसकी बहुत सारी लीगल ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं। और अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी इन ड्यूटीज़ को छोड़कर पूरे सोसाइटी का भला करने अगर वो चलेगा, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इग्नोर करके, तो इससे किसी को बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो एक पर्सन है, उसकी स्पेशल ऑब्लिगेशंस है फ्रेंड्स के प्रति, फैमिली के तरफ। बेंथम की यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने में फेल होती है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो
टोटल स्ट्रेंजर्स की वेलबींग और जो एक जान पहचान के लोग हैं उनकी वेलबींग के बीच में भी किसी तरह का कोई भी फ़र्क, कोई भी डिस्टिंग्विशमेंट है वो नहीं करती है, ठीक है। सो ये क्या करती है, ये थ्योरी इग्नोर करती है हमारी जो स्पेशल ऑब्लिगेशंस हैं इनको, और कोई भी एक्शन जहाँ पे एक क्लोज रिलेटिव को स्ट्रेंजर के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसी एक्टिविटी को बेंथम की यूटिलिटेरियन के अंदर क्या माना गया है, इमोरल माना गया है। इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर ये पर्सन 100 रुपये अपने बेटे को देता है, अपने बेटी को देता है, या अपनी वाइफ को देता है, या अपने किसी क्लोज रिलेटिव को देता है, इन 10 लोगों को ना देकर, तो ऐसा ये जो एक्शन होगा इसको क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड इमोरल अकॉर्डिंग टू बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इसके बाद जो ये थ्योरी है इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, वो भी क्या हो सकते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक एक्शन है उसका सिर्फ प्रेजेंट में ही कॉन्सिक्वेंस हो वो ज़रूरी नहीं है, किसी एक्शन के लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ह्यूमन बींग्स ज़रूरी नहीं है कि वो इन सभी कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उनको वो एंटिसिपेट कर पाए, उनका अंदाज़ा प्रेजेंट में वो लगा पाए। सो इस पॉइंट के ऊपर जो यूटिलिटेरियन है वो फेल हो जाती है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम प्रेजेंट में जो उसके इमीडिएट एक्शन, जो उसके इमीडिएट आउटकम होगा उसको तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रिमोट एक्शंस हैं, ठीक है, रिमोट इन टर्म्स ऑफ टाइम, उन रिमोट एक्शंस को या जो ये लॉन्ग टर्म एक्शन जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इनको एंटिसिपेट करने में हर एक पर्सन कैपेबल हो या ही इज एबल, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम्स यूटिलिटेरियन हम किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या इवेल्युएट कर सकते हैं, दे आर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज, और सिर्फ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज के बेसिस पे ही कोई डिसीजन ले लेना दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज किसी एक्शन के क्या होंगे इनको प्रेडिक्ट कर पाने में भी जो बेंथम की थ्योरी है वो फेल हो जाती है। काफ़ी सारे जो जूरिस्ट हैं उन्होंने भी क्या किया है, बेंथम की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, जैसे बर्नार्ड विलियम्स हैं, ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और उन एग्जांपल्स के थ्रू उन्होंने क्या किया है, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो बर्नार्ड विलियम्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एक बॉटनिस्ट है, ठीक है, एक पर्सन है, इसके पास चॉइस है कि वो या तो एक प्रिजनर को मार दे, उसको चॉइस दी गई कि वो या तो एक प्रिजनर को मारे वो चाहे दोषी था या नहीं था, और अगर वो एक को मार देगा तो 20 और जो डेथ रोल पे जो प्रिजनर्स हैं उनको क्या हो जाएगा, उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उन एक लोग एक को मार दो 20 के बदले। तो अगर हम यूटिलिटेरियन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो एक्शन है कि एक के बदले 20 की जान बख्शी जाएगी, चाहे ये 20 क्या थे, क्रिमिनल्स थे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिमम आउटकम होगा कि ये ठीक होगा, ये मॉरली करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होगा, ये गलत होगा कि वाई दिस वन पर्सन शुड बी किल्ड, ठीक है, बेशक से इसने अगर किया भी था तो इसको अपने जो रॉन्ग एक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं की सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि इन 20 को बचाने के लिए उस अकेले को क्या कर देने, सेक्रीफाइस कर देना, ऐसा गलत होगा, ठीक है। सो इन जो बर्नार्ड विलियम्स है इन्होंने क्या किया, ही रिजेक्टेड द थ्योरी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो इमोरल एक्ट्स को या जो मोरल डिसीजंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम इनको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि एक हमने बेसिक आउटकम, नंबर आउटकम देख लिया कि एक की जान जाए या 20 की जान जाए, तो कौन सा ऑप्टिमम आउटकम दिखेगा कि एक की ही जान चली जाए, ठीक है। तो ऐसी जो ये एल्गोरिदम्स हैं इनके बेसिस पे अगर कोई भी सिस्टम है वो डिपेंडेंट होता है तो ये क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट मोरेलिटी, ऐसा जो सिस्टम है वो हमेशा इमोरल ही कहा जाएगा, ठीक है। सो यूटिलिटेरियन विच रिक्वायर्स द किलिंग ऑफ अ प्रिजनर, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि एक
आपके पास ऑप्शन है कि एक स्विच से क्या किया जा सकता है, एक ट्रॉली है ठीक है, वो एक पटड़ी के ऊपर चल रही है, और एक स्विच से उस ट्रॉली को क्या कर सकते हैं, हम डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है। अगर एक साइड जाएगी तो 5 लोग मरेंगे, दूसरी साइड जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कम लोग मरेंगे ठीक है। और तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो मोरल डिलेमा है ये भी क्या है, ये बेंथम यूटिलिटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जहाँ कम लोग मरेंगे वहाँ कर दो, लेकिन जानबूझ के किसी और की जान ले लेना दूसरे की जान बचाने के लिए वो भी क्या होगा, दैट विल बी इमोरल, दैट विल बी रॉन्ग ठीक है। इसी तरह से एक हेल्दी पर्सन को मार के उसके जो ऑर्गन्स है वो 5 अनहेल्दी लोगों को दे देना, जो कि अगर उन ऑर्गन्स को उन पर्सन्स में नहीं डाला जाता वो क्या हो जाते, दे विल बी डेड। तो एक हेल्दी पर्सन की जान ले लेना किसके बदले कि 5 बीमार लोगों की जान बचाई जा सके। तो बेंथम के अकॉर्डिंग एक को मारना ठीक होगा और 5 की जान बचाना ठीक होगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या ये जो आउटकम है, ये जो चॉइस ऑफ एक्शन है, क्या ये ठीक है? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ठीक है। तो ये इन्होंने क्रिटिसाइज़ क्यों किया है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जस्टिफाई करती हैं इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी ठीक है। इनके बेसिस पे तो हम जिनोसाइड को या जो भी मर्डरर हैं वो अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। तो कोई भी पर्सन है वो बेंथम की इस थ्योरी को यूज़ करके क्या कर सकता है, अपने किसी भी इमोरल एक्ट को, अपनी कितनी भी बड़ी से बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी को वो क्या कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है ठीक है। फिर इसके बाद कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने भी अपनी बुक दास कैपिटल के अंदर जो यूटिलिटेरियन है इसको क्या किया है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि सिर्फ प्लेजर और पेन ही नहीं है, या फिर बहुत सारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंटेस्ट है कि हर एक सोसाइटी में जो एक पर्सन है, जो वहाँ पे सोशल या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हर पर्सन की अलग होती है, और हर एक पर्सन है वो इनको परसीव भी क्या करता है, अलग तरीके से करता है, कि हर एक पर्सन के लिए जॉय अलग होगा। किसी को एक महंगी कार खरीदने में खुशी मिलती है, किसी को साइकिल पे ही चलने में खुशी मिलती है। तो एक पर्सन किस तरीके से जॉय को परसीव करता है, हैप्पीनेस किस तरीके से परसीव करता है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। फिर इसके बाद जॉन पॉल सेकंड ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारी कंसर्न्स को क्या किया है, हाईलाइट किया है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं या जो सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल कंटेक्स्ट हैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं, और सिंपल ये नहीं है कि 2 फैक्टर हैं, प्लेजर पेन, हमने क्या किया, ब्लैक एंड वाइट हम इसको जज कर लेंगे, सो ऐसा नहीं हो सकता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, तो इस चीज़ को भी क्या किया गया है, बेंथम ने इनको ओवरलुक किया है। फिर इसके बाद बहुत सारे जो कई जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या किया है, दे हैव रेज्ड डिमांडिंगनेस ऑब्जेक्शन ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेलिटी विद ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, इट प्लेसेस अनरीजनेबल डिमांड ऑन अ इंडिविजुअल ठीक है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास क्या है, उसके पास 5 लोगों को खाना खिलाया जा सके उतना राशन है। सो अब अगर हम ये कहें कि 5 लोगों का पूरा पेट भर सकता है या 10 लोग आधे आधे भूखे रह सकते हैं, सो इंडिविजुअल की जो एक उससे डिमांड्स होंगी कि एक 5 तो अगर हम बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इंडिविजुअल से जो भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इनफाइनाइट हो जाएंगी, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है वो उसको सारे लगाने पड़ेंगे किसके लिए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्संस के लिए। और इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और अनरीजनेबल डिमांड्स उस पर्सन को क्या करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो ये भी क्या है, एक आर्ग्यूइंग पॉइंट रेज किया गया है कई क्रिटिक्स के द्वारा ठीक है। तो डिमांडिंगनेस की अनरीजनेबल डिमांड्स प्लेस की जाती हैं ऑन एन इंडिविजुअल पर्संस अगर बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को बिल्कुल प्योरली क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं
द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एंड इनफाइनाइटली मैनी अपॉर्चुनिटीज टू मेक सेक्रीफाइस टू हेल्प देम वुड रिक्वायर अ पर्सन टू सेक्रीफाइस अ लॉट एंड टू रिमेन इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ हार्डशिप एंड सेल्फ डिनायल. यानी एक पर्सन है वो अपनी लाइफ ईजिली गुजार सकता है. मान लीजिए ही इज अर्निंग 1 लाख पर मंथ, ठीक है, 1 लाख में वो अपना घर आराम से चला सकता है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो सकती हैं, थोड़े से अपने वो शौक पूरा कर सकता है. लेकिन अगर हम बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को इस पर्सन के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, ये अपना पूरा का पूरा जो अमाउंट है इसको इसे सोशल वेलफेयर में या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा. और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, अपनी जो हैप्पीनेस है, उसे क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ इस 1 लाख से इस अकेले सिर्फ एक पर्सन की हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, और अगर इसे ये सोसाइटी में यूज़ करता है तो इससे 100 लोगों की हैप्पीनेस जुड़ी हुई है. तो अगर हम बेंथम के हिसाब से देखेंगे तो दिस विल आउटवे दिस, यानी कि 100 लोगों का जो बेनिफिट है वो इस एक अकेले के बेनिफिट से ज़्यादा होगा. तो इससे क्या होगा, जो एक पर्सन होगा ही विल हैव टू कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइस, ठीक है, उसे हमेशा अपनी हैप्पीनेस है वो दूसरों के लिए क्या करनी पड़ेगी, कुर्बान करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और ख़ुद उसको एक हार्डशिप की जो लाइफ है वो क्या करनी पड़ेगी, जीनी पड़ेगी. तो हुकर ने क्या कहा है कि ये जो सेक्रीफाइस है दिस इज़ वेस्टफुल. क्योंकि अगर हम इस सेक्रीफाइस से देखें कि 1 लाख से एक पर्सन को तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हम इस 1 लाख को 100 लोगों में बांटेंगे तो सिर्फ एक पर्सन के से 1000 रुपीज़ ही तो आएंगे. तो 1000 से कितना ही ग्रेटेस्ट गुड हो जाएगा. तो इससे सिर्फ स्लाइट इंक्रीज होगा एग्रीगेट गुड में, लेकिन इंडिविजुअल गुड क्या होगा, वो बहुत ही हाई लेवल का होगा. तो इस चीज़ को भी क्या कहा गया है, वेस्टफुल कहा गया है बाय हुकर. ठीक है, फर्दर अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो बेंथम की थ्योरी है उसको आगे कैसे डेवलप किया गया है, जो उनके बाद जितने जूरिस्ट आए हैं, जितने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो जिन्होंने किया है, तो उन्होंने उस प्रिंसिपल में क्या चीज़ ऐड ऑन की है. तो सबसे पहले जो यूटिलिटेरियन है, ये जो प्रिंसिपल है बेंथम ने दिया है, और इसको ओवर टाइम अलग अलग जूरिस्ट ने इसमें कुछ ऐड ऑन किया है, और इस प्रिंसिपल को टाइम एंड अगेन क्या किया गया है, इवोल्व किया है, इसकी डेवलपमेंट हुई है. तो सबसे पहले सर जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, जो कि बेंथम के ही एक फॉलोअर थे, उनके डिसाइपल थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो भी प्लेजर्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे सेम है और उनको हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो बेंथम का तो यही आइडिया था कि प्लेजर एंड पेन हर एक पर्सन का इक्वल होगा, किसी का भी हैप्पीनेस या किसी का प्लेजर दूसरे पर्सन की हैप्पीनेस या प्लेजर से ज़्यादा या कम नहीं होगा. इस चीज़ को स्टुअर्ट मिल ने क्या किया है, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि हर एक जो प्लेजर है ना तो वो सेम होता है और ना ही हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लेजर प्रपोज किए हैं, और इसको उन्होंने क्या कहा, हाई एंड लोअर लेवल ऑफ प्लेजर्स. तो हाई एंड लोअर लेवल ऑफ प्लेजर्स का जो कॉन्सेप्ट है, दिस हैज़ बिन गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, कि कुछ जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है एंड वैल्यूएबल होती है देन अदर्स. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ही वांट्स टू गेट इंटॉक्सिकेटेड. ठीक है, इंटॉक्सिकेशन है, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं क्योंकि उससे उनको मोमेंट्री बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है. ठीक है, दुनिया संसार के सारे गम वो भूल जाते हैं एक बार दारू के नशे में आके, तो एक मोमेंट्री हैप्पीनेस उनको मिलती है. लेकिन इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लीवर ख़राब हो गया और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं वो अराइज होने शुरू हो गए. तो यहाँ पे एक मोमेंट्री जो हैप्पीनेस है, या फिर जो एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है कि अगर वो शराब नहीं पिएगा तो वो एक हेल्दी लाइफ जिएगा. ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा कि कुछ जो हैप्पीनेस है वो प्रेफरेबल होती है दूसरी हैप्पीनेस के बदले. तो हायर एंड लोअर लेवल ऑफ प्लेजर्स, कि इनको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तरह से ये पिरामिड का स्ट्रक्चर कह लो, या फिर हम इसको एक हायरकी कह सकते हैं कि इसके बदले में हमें ये डिज़ायरेबल होगा, या इसके बदले में ये वाला हैप्पीनेस है ये डिज़ायरेबल होगा. ठीक है, सो जो ये हैप्पीनेस हैं, इनके लेवल्स हैं, इनको हमने कहा हायर एंड लोअर लेवल ऑफ प्लेजर्स. इनके बाद जी ई मूर,
ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म का। और आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ये एक ब्रॉडर रेंज ऑफ वैल्यूज बियॉन्ड मेयर प्लेजर। ठीक है, सिर्फ एक प्लेजर ही नहीं है जो यूटिलिटी को क्या करता है, गवर्न करता है, या यूटिलिटी को काउंट करने के लिए, यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हम प्लेजर ही नहीं यूज़ करते हैं, बहुत सारी और भी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको यूज़ करके, जिनको अडॉप्ट करके एक आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज़ बिन गिवन, कि यूटिलिटी को काउंट करेंगे हम सिर्फ प्लेजर या पेन को ही ध्यान में रख के, और बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं, फैक्टर्स हैं, उनको भी कंसिडर करेंगे। इसके बाद रूल यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, रूल यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ रूल्स टू एड इन द चॉइस ऑफ राइट एक्शन। ठीक है, एग्जांपल से हम इनको समझ सकते हैं, जैसे एक सोसाइटी, ठीक है, जितने भी कंट्रीज होते हैं उनके अंदर लॉज होते हैं, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये क्या है, दीज रूल्स, दीज लॉज, इनके दायरे में रहकर एक पर्सन क्या करेगा, अपने एक्शंस को इवेल्युएट करेगा और फिर फाइंड आउट करेगा कि कौन सी चॉइस ऑफ एक्शन से सबसे ज़्यादा यूटिलिटी अराइज होगी। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी इस रूल के लिमिट्स में रहकर, जितनी ज़्यादा यूटिलिटी एक पर्सन गेन कर सकता है, इस चीज़ को हम कहेंगे रूल यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो रूल ऑफ यूज़ ऑफ रूल्स टू एड इन द चॉइस ऑफ राइट एक्शन। ठीक है, तो ये भी एक फर्दर डेवलपमेंट है बेंथम की ही यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर। और इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्शंस होते हैं दे शुड कन्फर्म टू द रूल्स दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। जैसे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो सभी सेफली ट्रैवल कर सकें और एक्सीडेंट्स को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो जो भी पर्सन किसी व्हीकल को चला रहा है वो इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूटिलिटी मिल सके, सहूलियत से वो ट्रैवल कर सके, सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ये भी क्या होगा, इसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, रूल यूटिलिटेरियन की कैटेगरी के अंदर। तो ये जो रूल यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट है, इट एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल एक्ट। ठीक है, जितने भी लोग सड़कों पे हैं उन सभी के ही एक्शंस मायने रखते हैं, उन सभी के एक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे पर्संस के एक्शन पे। इसके बाद आर एम हेयर, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म का। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इट वॉज गिवन बाय हिम इन 1981। तो ये प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, इसने क्या किया है, इन्होंने फर्दर जो यूटिलिटेरियन की थ्योरी है उसको मॉडिफाई कर दिया है, और इसमें इन्होंने फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर, ऑन फुलफिलिंग इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस रादर देन जस्ट मैक्सिमाइजिंग द प्लेजर। कि हमें अंधाधुंध सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्लेजर मैक्सिमाइज करने पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन फुलफिलिंग द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखना है। कोई भी एक्शन है वो ठीक है, इट इज़ गुड एक्शन, या फिर वो गलत है, इट इज़ बैड फॉर अ गिवन इंडिविजुअल, यानी कि एक गिवन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई भी एक्शन, कोई भी चॉइस ऑफ एक्शन, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो हम सभी और दूसरे पर्सन के मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के प्लेजर को ध्यान में नहीं रखेंगे। किसको ध्यान में रखेंगे, उस पर्सन के खुद के जो वॉन्ट्स हैं, उसकी खुद की जो नीड्स हैं, खुद की प्रेफरेंसेस हैं, उसी को ध्यान में रखकर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने जो चॉइसेस हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उनको क्या करता है, उनको जज करता है। ठीक है, फिर इसको भी आगे क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि
अपनी प्रेफरेंसेस ले डाउन करने में दे आर नॉट कैपेबल, या उन अपनी प्रेफरेंसेस को वो कम्युनिकेट करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन है, ठीक है, ल्यूनेटिक्स हैं, या फिर जो इडियट्स होते हैं, इसके अलावा जो नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ हैं, एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उन सभी को भी तो कुछ ना कुछ यूटिलिटी, उनकी भी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके बेनिफिट के लिए भी कुछ होना चाहिए। बेशक से वो अपनी खुद की प्रेफरेंसेस को क्या नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, या उनको वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, ये इसका क्रिटिसाइजिंग पॉइंट बन जाता है, किसका, ऑफ द थ्योरी गिवन बाय आर एम हेयर, यानी कि जो प्रेफरेंस यूटिलिटेरियन है वो सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए तो ठीक है जो अपनी प्रेफरेंसेस को बता सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे अपने एक्शंस को वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनके पास ऐसी एजेंसी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सकें, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल फेल हो जाता है, ठीक है। आते हैं अब कंक्लूजन पे कि बेंथम की जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, खुद में ही बहुत ही पावरफुल थ्योरी रही है वो, और जितने भी एक्शंस हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए क्या देखा जाता है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, और मेन जो एम था वो क्या है, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इसके खुद स्ट्रेंथ है, इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, चैलेंजेस भी हुए हैं, और मेन जो चैलेंज है वो इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेकर हुआ है, और इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव हैप्पीनेस के बीच में ये बैलेंस नहीं कर पाई है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर इस थ्योरी को क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है इसका मॉडर्न जो लीगल सिस्टम है, मॉडर्न सोसाइटी है, और मॉडर्न जो लॉज हैं उनमें यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है, और ये जो थ्योरी है सिंपल है, बहुत सारे जो एथिकल डिसीजंस हैं उनको लेने में इट इज़ हेल्पफुल, और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, एजेंसीज़ जो भी एक्शंस लेती हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस दिस थ्योरी हेल्प्स, और इंश्योर करती है कि कोई भी एक्शन है, जितने भी लॉज होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उनका बेनिफिट किसको मिले, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो ये इंश्योर किया गया है बाय दिस थ्योरी, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटेरियन की जो थ्योरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो लॉ पढ़ता है या फिर जो एथिक्स की स्टडी कर रहा है उनके लिए इस थ्योरी की बहुत ही सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है टू इवेल्युएट देयर एक्शंस। सो दिस इज़ ऑल इन बेंथम्स यूटिलिटेरियन थ्योरी, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग me on this exploration of Jeremy Bentham's theory. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको Jeremy Bentham की जो utilitarian का concept है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. Thank you so much for joining us.